हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में सफ़ेद मटर के छोला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास मटर है और ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसकी मैं कई तरह की रेसिपीज बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसका जो है छोला बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास पूरी रात का टाइम नहीं है तो आप इसको 6 से 7 घंटे ज़रूर भिगोइए। और उसके बाद इसको धुल करके मैंने कुकर के अंदर डाल लिया है और डाला है 1/2 चम्मच नमक और बहुत ही थोड़ा सा सोडा डाला है, करीब 1/2 चम्मच। और उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगा करके रख देंगे इसको गैस पे और 2-3 सीटियां आने तक इसको हम पका लेंगे। और जब तक हमारा जो मटर है वो उबल रहा है तब तक हम इधर और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं, लहसुन की कलियाँ हैं, 2 टमाटर हैं और हरी मिर्च है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा सी मिर्ची जो दिख रही हैं इसकी मैं इंस्टेंट पिकल बनाने वाली हूँ, मतलब तुरंत छौंक के जो मिर्ची अचार बनता है वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए जो है पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये मैं मसाले के लिए ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी लिया है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे और टमाटर को पीस करके अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर पीस लिया है और जो लहसुन प्याज थे उसको भी पीस लिया है। तो ये जो पेस्ट है लहसुन प्याज का, इसी के अंदर मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप यहाँ पे जो है छोला मसाला जो आता है, चना मसाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है घर के मसालों से ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और इसके बाद जो है इसको ऐसे मिक्स करके और रख देंगे एक साइड। इससे मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भीग जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सब्जी हो, छोला हो, कोई भी चीज़ हो। तो आप ये जो है ट्राई कीजिएगा एक बार, आप लोगों को पसंद आएगा। और देखिए हमारा जो मटर है वो उबल चुका है, इसकी सीटी निकल गई है। तो मैं खोल के देख लेती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको गला सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो। अगर खड़ा खड़ा खाना पसंद है तो आप थोड़ा ऐसे ही रखिएगा, या फिर जो है आप इसको थोड़ा सा और सीटी लगा दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इसको जो है तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सेम कुकर में सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जीरा और 1-2 तेज़पत्ता डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने हींग डाली है इसके अंदर, आप अगर खाना पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा। और इसके बाद जो हमने मसाला रेडी करके रखा हुआ है वो हम डाल देंगे, ये देखिए। और फिर जो है मसाले को अच्छी तरीके से हम मिलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पे आँच को तेज़ नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम ही रखिएगा, वरना फिर मसाला बहुत ही जल्दी जलने लगता है। हमें मसाले को जलाना नहीं है, पकाना है। तो इसीलिए जो है मीडियम आंच पे हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। और जब मसाला हमारा भुन जाता है तो किनारे से ऑयल छोड़ने लगता है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। और इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्च बीच से चीरा लगा के डाल दिया है। और जब हमारा मसाला पक गया है तो यहाँ पर जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखा हुआ था उसको डाल दिया है। और इसके बाद जो इसको भी अच्छी तरीके से हम चलाते हुए भून लेंगे, जब तक हमारा तेल सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक। तो कुछ देर बाद देखिए हमारा जो टमाटर है वो भी पक गया है अच्छी तरीके से, ये देखिए आप लोग। और मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। जब मसाला रेडी हो जाता है तो नीचे चिपकने लगता है। और अब इसमें हम ये मटर डाल देंगे जो हमने उबाल के रखी हुई थी। और ये जो छोला बनता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। जो हम चने का बनाते हैं वो तो अच्छा बनता ही है, लेकिन ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्सर आप लोगों को छोले जो कुलचा हम लोग खाते हैं ना, तो यही वाला छोला उसके साथ में मिलता है। तो रेसिपी ऐसी ही होती है, मतलब एक तो बॉयल करके हम मसाले वगैरह मिला लेते हैं, एक इस तरीके से मसाला भून के मिलाते हैं। तो आपको जैसा पसंद है आप उस तरीके से बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और देखिए इसमें ज़रूरत के अनुसार मैंने पानी डाल दिया, जितना गाढ़ा आपको खाना पसंद है आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और उसके बाद जो है इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर उबलने के लिए। और ये देखिए उबलने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा मसाला और जो हमारा मटर था वो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और हमारा छोला जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसमें इस जगह पे आपके पास अगर हरी धनिया है तो आप डाल दीजिएगा। ये मेरे पास सूखी रखी हुई है, मैंने धनिया पत्ती को सुखा के रखा हुआ है, तो वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे।
अगर आपके पास फ्रेश है तो आप लोग फ्रेश डाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। और हमारा जो छोला है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, तो बस रेडी है खाने के लिए। आप इसको पूरी के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके साथ मैंने पूरी और चावल बनाया है। तो चलिए फिर फटाफट से पूरियाँ भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है और इसको जो है सख्त आटा लगा के तैयार कर लेंगे, क्योंकि पूरी के लिए हमें सख्त आटा चाहिए होता है। तो बस हमारा आटा भी रेडी है और जो है अब चलिए पूरियाँ बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ ले रही हूँ पूरियों के लिए, और फिर जो है हम पूरियाँ बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लोइयाँ बना ली हैं और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, जिससे हमारी जो लोइयाँ हैं वो चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चिपकने लगती हैं एक दूसरे में। और अगर आप आटा लगा के बनाते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा ऑयल लगा के बनाते हैं तो तेल हमारा बचा रहता है। तो मैं फटाफट से जो है पूरियाँ बेल के रख ले रही हूँ, उसके बाद हम छानेंगे, मतलब पूरियाँ तलेंगे। तो जल्दी से बना के रेडी कर लेते हैं हम। और पूरियाँ हमारी सारी बेल गई हैं, तो बस मैं फटाफट से जो है निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो पूरियाँ जो हमने बेल के रखी हुई थी वो टेढ़ी मेढ़ी से हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें स्वाद से मतलब है। तो बस हमारी पूरियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं और अब हम प्लेट लगा लेते हैं। और बहुत ही अच्छा, इसको आप चाहे डिनर में खाइए चाहे लंच में खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर घर में बना होता है तो हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर फटाफट से प्लेट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लेट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लेट में सिर्फ देखिए यहाँ पे जो हमने छोला बनाया है, छोला है, हमारी पूरियाँ हैं जो हमने बनाई है, और ये है प्याज, और ये फटाफट मैंने मिर्ची का अचार बना लिया था। ये देखिए इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी मिर्ची बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने चावल भी बनाया है, तो मैंने प्लेट में चावल नहीं निकाला है, साइड में रखा हुआ है, जब ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा मेरी ये सिंपल सी प्लेट आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।